राजस्थान में शामत लेकर आया सावन, इंतजार बारिश का था, आसमान से बरसी आफत, पानी का प्रहार, मैदान से लेकर अस्पताल में बहने लगा तालाब, रेगिस्तान में बारिश ने बना दिए बाढ़ जैसे हालात, सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हुई इस बार की बारिश, राजस्थान के कई जिलों में सावन की ये बारिश आफत का कहर डा रही है, निचली बस्तियां जलमग्न है, अस्पतालों तक में पानी भर गया है, कहीं पानी में भैंस बह गई तो कहीं गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है, भर गर्मी में लोगों को इंतजार था बारिश का, लेकिन लोगों ने नहीं सोचा था कि आसमान से आफत बरसने लगेगी, कुछ जगह तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, अजमेर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, बारिश के चलते निचली बस्तियां हुई जलमग्न, अस्पताल में भी भरा पानी, आनासागर झील के साथ फायसागर लेक भी हुई लबालब, पुष्कर में भी तेज बारिश का दौर जारी, पुष्कर के होटलों में ठहरे यात्रियों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर, टोंक में भी मूसलाधार बारिश का जलजला, पानी में बह गई बाइक, राजसमंद में भी मूसलाधार बारिश, बनारस नदी की रपट पर फंस गई कार, कार चालक ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान, ट्रेन की मदद से कार को निकलवाया गया नदी से बाहर, जालौर में भी तेज बारिश के बाद बहने लगे नदी नाले, जोधपुर से जालौर और जालौर से भीनमाल राजमार्ग बंद, सीकर से भी तेज बारिश की खबर, निचली बस्तियों और रेल की पटरियों पर भरा पानी, पाली में भी बारिश के बाद भयानक हालात, पाली में तेज बहाव में तिनके की तरह बह गया सांड, पाली में उफनती लहरों के बीच जिंदगी की जद्दोजहद, बाइक के साथ बह गया युवक, बीते 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में ही भारी बारिश दर्ज की गई है, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, जालौर, नागौर और जोधपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, इन जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि जयपुर, झुंझुनू, टोंक, चूरू और सीकर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इन स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है, आपके क्षेत्र में बारिश के कैसे हालात हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा, पुष्कर से दिनेश पाराशर, टोंक से मनोज तिवारी, राजसमंद से देवी सिंह भाटी, जालौर से नरेश बिश्नोई, सीकर से सुशील जोशी और पाली से भारत भूषण जोशी की रिपोर्ट।